तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले पबजी अनबैन के ऊपर, और गाइस कुछ रियल और फेक न्यूज़ के बारे में, तो गाइस कुछ अपोलॉजी के बारे में, तो गाइस जो मैंने आपसे करनी है। तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था कि पबजी एक इंडियन कॉरपोरेशन लेके आ रही है, जिससे गाइस एक हिंट था गाइस कि पबजी इंडिया में अनबैन होगी। लेकिन गाइस उस न्यूज़ के ऊपर अब ये कहा गया है कि गाइस वो पबजी पीसी के लिए है, वो पबजी मोबाइल के लिए नहीं है। तो गाइस ये लिटरली बहुत बड़ा स्कैम हुआ है गाइस, और गाइज फेक न्यूज़ के लिए आई एम रियली सॉरी। गाइज मेरा पूरा इंटेंशन होता है कि मैं आपको रियल न्यूज़ दूँ, लेकिन गाइज लिटरली एक बहुत बड़ा हिंट था गाइज। अगर गाइज पबजी मोबाइल इंडिया में एक अपनी कॉरपोरेशन बना देती तो गाइज ये बहुत बड़ा हिंट था कि गाइज गवर्नमेंट को पबजी को अनबैन करना पड़ता। लेकिन गाइज अब ये हिंट पबजी पीसी की तरफ चला गया, और गाइज मैं थोड़ा सा पबजी पीसी के ऊपर भी इसमें बात करूँगा गाइज। और अगर गाइज आप नोटिस करो, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल की तरफ ही जाओ तो गाइज आपको दूर दूर तक गाइज कोई बंदा ऐसा नजर नहीं आएगा जो पबजी पीसी खेलता हो। अगर गाइज किसी के पास बहुत अच्छा पीसी है भी है तो गाइज उनमें से भी काफ़ी ज़्यादा एमुलेटर खेलते हैं, पबजी पीसी नहीं खेलते। और गाइज अगर कोई पबजी पीसी का सोच भी ले तो गाइज पबजी पीसी पेड है गाइज, हम लोग तो पेड चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस ही नहीं करते। और गाइज मुझे एक लॉजिक है, अगर आपको ये लॉजिक समझ आता है तो गाइज आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि गाइज मैं आपको एक बेसिक सा लॉजिक इसमें बताने लगा हूँ पबजी पीसी और पबजी मोबाइल के ऊपर। गाइज ये कि पबजी पीसी एज कम्पेयर टू पबजी मोबाइल मोर वायलेंट है। और गाइज अगर आप पबजी पीसी में देखो तो गाइज अगर आप किसी भी पर्सन को किल करते हो वहाँ पे तो गाइज वो काफ़ी रियलिस्टिक लगता है, उसका बॉडी बनता है और गाइज ग्रेड भी बनता है, और जो सा ब्लड है गाइज वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। और गाइज इसे कहते हैं वायलेंस, इसे कहते हैं अब्यूसिव कंटेंट। और गाइज पबजी पीसी रियलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेस करती है, और गाइज गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही, गवर्नमेंट का फोकस है पबजी मोबाइल पे, क्योंकि गाइज पबजी मोबाइल ही इज़ द मेन थिंग, पबजी मोबाइल सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली है। और गाइज मैंने एक नोटिस किया, ये वायलेंस नेचर वाली बात नहीं है, ये एडिक्शन के ऊपर बात की जा रही है, क्योंकि गाइज आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग पबजी के एडिक्टेड हो, आप बहुत देर तक खेलते हो पबजी को। और गाइज मैं इसके ऊपर खुद को भी जस्टिफाई नहीं करने वाला, क्योंकि गाइज मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा खेलता हूँ पबजी। लेकिन गाइज पबजी ने इसके ऊपर एक वे निकाला, जो 18 से नीचे हैं गाइज उनके ऊपर ये कहा गया कि वो 4 ओवर से ज़्यादा नहीं खेल सकते, अगर वो 4 ओवर से ज़्यादा खेलेंगे तो पबजी उनकी स्टॉप हो जाएगी गाइज। लेकिन गाइज आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को भी नहीं मानते। और गाइज अब बात करते हैं एक और पॉइंट के ऊपर, और गाइज अगर इंडिया में कोई ऐसी गेम बन जाए पबजी मोबाइल जैसी, और गाइज सिमिलरली काफ़ी ज़्यादा लोग उसके एडिक्टेड हो जाएं, तो गाइज क्या गवर्नमेंट इसको बैन करेगी? और गाइज इसके ऊपर मैं बात नहीं करने वाला, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा क्या गवर्नमेंट उस गेम को बैन करेगी। और गाइज पबजी ने ये जो डिवीजन मैनेजर वाला सीन किया गाइज, मुझे लगता है गाइज ये पबजी डिफरेंट वे से अप्रोच कर रहा है गवर्नमेंट की तरफ, क्योंकि गाइज डिवीजन मैनेजर का इंडिया में ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप नोटिस करो, अगर गाइज डिवीजन मैनेजर की ज़रूरत होती तो गाइज पबजी कॉरपोरेशन पबजी मोबाइल के लिए इंडिया में पहले ही एक डिवीजन मैनेजर कॉरपोरेशन बना देता, अगर उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती, क्योंकि गाइज पबजी मोबाइल तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा खेला जाता है और पबजी पीसी तो गाइज खेला ही नहीं जाता। और गाइज उस डिवीजन मैनेजर का क्या काम है? वो वर्कर फाइंड करेगा, जो वर्कर पबजी मोबाइल या पबजी पीसी को गाइज डेवलप करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसके सर्वर्स को मेंटेन करेंगे, और एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी पबजी पीसी के नाम से, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। और गाइज अगर ये ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है तो गाइज सिंपल सी बात है पबजी मोबाइल भी अनबैन होगी। और गाइज लास्टली मैं वही बात दोबारा कहूँगा कि गाइज हम गवर्नमेंट को होप कर सकते हैं कि पबजी को जल्द से जल्द अनबैन कर दिया जाए, क्योंकि गाइज अभी भी हमारे सर्वर टेंशन के थ्रू चल रहे हैं ग्लोबली में, अभी भी हमारी इन्फॉर्मेशन चोरी हो रही है। अगर गवर्नमेंट का एलिगेशन ट्रू था तो अभी भी हमारी इन्फॉर्मेशन चोरी हो रही है, एक ऐप के बंद करने से हमारी इन्फॉर्मेशन चोरी होना बंद नहीं होती। तो गाइज हम होप करते हैं कि गवर्नमेंट पबजी को जल्द से जल्द अनबैन कर दे, ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन भी सेफ हो और ताकि हम ई स्पोर्ट में भी दोबारा खेल सकें। और गाइज पबजी कब तक अनबैन होगा इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें आपको सब समझ लग जाएगी पबजी कब अनबैन होगी और गवर्नमेंट का पबजी को अनबैन करने का क्या इंटेंशन है। तो गाइज मैं उस वीडियो का लिंक आपको लास्ट में दे दूंगा, आप लास्ट में उसको देख लीजिएगा। तो गाइज यहाँ अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।